हमेशा आंखें तक ना झपकाता, दुश्मन की गतिविधियों पर रखता है निगरानी तू, कभी खत्म ना होने वाली ऐसी अमर कहानी तू। आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार आदि इत्यादि विषयों में पूर्ण परिचय दिया गया। इन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए योगा, खेल और आज इन नवारक्षकों को देखकर मन में कुछ इस तरह से अरमान आते हैं। दुनिया से बाजी जीतकर हम मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि सब दुख दूर हो गए। हम तो कांच के थे, दुनिया ने हमें ना पहचाना। एसटीसी इंदौर में आए तो कोहिनूर हो गए। इस कैच एसोसिएशन हम आपके आभारी हैं महोदय। इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नव आरक्षक इस संस्थान में जुलाई 2017 में आमद हुए और इन्हें दो कंपनियों में बांटा गया। ये नव आरक्षक एमपीएसएफ की कुल 8 संबंधित हैं। करेंगे वे अपने पुलिस सेवा दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्ण संक्षक हैं। उन्हें दायित्व निर्वहन के लिए योग्य बनाने के लिए समुचित शारीरिक क्षमता के विकास के लिए विभिन्न शारीरिक व्यायामों से गुजारा गया, जिसमें कि इन सभी में शारीरिक मजबूती के साथ साथ जरूरी कर्तव्य निर्वहन की कठिन परिस्थितियों से डटे रहने की क्षमता विकसित हो। पुलिस दायित्व के लिए इन्हें लॉ, आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार आदि विषयों में पूर्ण परिचित कराया गया। प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए भाषण, प्रदर्शन, अभ्यास और टेस्ट के द्वारा समझ को बढ़ाया और परखा गया। कार्यक्षेत्र के विभिन्न आयामों के दृष्टिकोण इन्हें कंप्यूटर, तैराकी, रूट मार्च, जंगल कैंप का आयोजन कर सभी दायित्वों के निर्वहन के योग्य बनाया गया। इन नवारक्षकों को प्लाटून स्तर के सभी हथियारों जैसे 7.62 SLR, 5.56 mm इंसास राइफल तथा LMG, 9 mm कार्बाइन व बरेटा 9 mm पिस्टल तथा AK-47 का प्रशिक्षण दिया गया। विषय की संपूर्ण जानकारी हेतु सभी हथियारों को क्लासरूम में विस्तृत जानकारी देने के पश्चात स्क्वाड पोस्ट पर प्रभावी हैंडलिंग का अभ्यास दिया गया। क्लास व स्क्वाड पोस्ट के प्रशिक्षण के पश्चात सिमुलेटर ट्रेनिंग का द्वारा फायरिंग का वास्तविक एहसास निशानेबाजी की तकनीक समझाई गई। उसके पश्चात वास्तविक प्रायोगिक अनुभव के लिए सभी हथियारों से रेंज पर दिन और रात के समय फायर करवा कर प्रशिक्षण को पूर्णता प्रदान की गई। नक्सल व आतंकी क्षेत्रों में नवारक्षकों की प्रभावी तैनाती हेतु नक्सल के खतरों से निपटने के लिए के साथ ही स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में भी विस्तृत जानकारी देकर ग्राउंड पर व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इन नवारक्षकों को नक्सल क्षेत्र में जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एरिया वेपन जैसे 51 mm मोटर हैंड ग्रेनेड के प्रयोग का विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया। समय समय पर इन सभी रिक्रूट्स के उत्साह वर्धन हेतु मोटिवेशनल लेक्चर्स, खेल प्रतियोगिताएं तथा कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इन बुनियादी प्रशिक्षणों के मध्य कई बार ऐसे विशेष अवसर आए जैसे शरद नवरात्रि, मुहर्रम व दुर्गा विसर्जन और रंग पंचमी कार्यक्रम, जब इन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग के तौर पर विभिन्न जिलों में भेजा गया।
मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि इन नव आरक्षकों को दिए गए दायित्वों प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को बखूबी अंजाम दिया, जिसको संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से सराहा गया। इन नव आरक्षकों ने प्रशिक्षण के सभी आयामों जिसमें खेलकूद, तैराकी, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त सामाजिक किया कल्पों जैसे आप सभी दर्शक खड़े हो और यूनिफॉर्म होता है वो खून जो देश के काम आता है। और इसी जज्बे के साथ परेड की कमान संभाले परेड के सबसे आगे चल रहे हैं परेड कमांडर जवान नरेंद्र कुमार, नवारक्षक सुन सिकरवार, गाड़ी नंबर दो में कुल 24 नवारक्षक, उसका नेतृत्व कर रहे हैं नवारक्षक हरी कुमार सिंह। प्लाटून नंबर 3 में कुल 25 नवारक्षक हैं और की कमान संभाली है नवारक्षक राधा कृष्णा ने। प्लाटून नंबर 4 में कुल 25 नवारक्षक हैं और की कमान संभाली है नवारक्षक रोहित चंदेल। प्लाटून नंबर 5 में कुल 25 नवारक्षक हैं और की कमान संभाली है नवारक्षक सतेंद्र लौर। प्लाटून नंबर 6 में प्लाटून नंबर 2 में कुल 24 नवारक्षक और इसका नेतृत्व कर रहे हैं नवारक्षक हरीश कुमार सिंह। प्लाटून नंबर 3 में कुल 25 नवारक्षक हैं और इसकी कमान संभाली है नवारक्षक राधा कृष्णा ने। नवारक्षक और इसकी कमान संभाली है नवारक्षक सतेंद्र लौर। प्लाटून नंबर 6 में 25 नवारक्षक हैं और इसकी कमान संभाली है नवारक्षक दीपक कुमार ने। दर्शकों से अनुरोध है कि और दोनों पानियों से प्रवश होकर बहता है वो खून नहीं है, पानी है, पानी है।
सिल्वर मेडल प्राप्त किया है रिक्रूट कांस्टेबल सोनू सिकरवार ने। बेस्ट इन फायर है रिक्रूट कांस्टेबल विवेक शर्मा ने। सेकंड और सिल्वर मेडल प्राप्त किया है रिक्रूट कांस्टेबल सचिन कुमार ने। ऑलराउंड रिक्रूट कांस्टेबल स्मृति भूषण पूरे सत्र में प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रकार की गए रिक्रूट कांस्टेबल स्मृति भूषण ने। इसी श्रृंखला में अब मैं आवाज देना चाहूंगा बेस्ट इन ड्रिल है रिक्रूट महानिदेशक महोदय को कल बैठक के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, उन्होंने भी आपको शुभकामनाएं भेजी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं इस भव्य परेड में आकर अत्यंत हर्षित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत खुश हूँ आपने जिस जोश लगन और मेहनत से उत्साह से ये परेड की है और शपथ परेड पूरी की है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी इस शानदार परेड में आपका पसीना, आपकी मेहनत दिख रही है, आपकी फिटनेस से दिख रही है, आपके कौशल से दिख रही है कि आपने इन 44 सप्ताहों में बहुत पसीना बहाया, बहुत मेहनत की है और मैं पूरे इसके आपके साथ साथ जो पूरा प्रशिक्षण स्टाफ है उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने पिछले 44 सप्ताह में अपने बुनियादी प्रशिक्षण को अत्यंत ही मेहनत लगन समर्पण धैर्य व साहस के साथ पूरा किया है, क्योंकि आसान नहीं होता है, बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, बहुत मजबूत बनाती है ट्रेनिंग आपको। और जो आपने ये प्रशिक्षण पूरा किया है उसमें आप सबका, आपके सभी अधिकारीगण जिन्होंने आपको ये प्रशिक्षण प्रदान किया है उनका सर्वोच्च योगदान है। आपके पूरे संविधान के प्रति देश की अखंडता की दाएं और बाएं से निकलने दुश्मन को डिफेंसिव पोजीशन अख्तियार करते हुए दुश्मन के ऊपर उसे बर्बाद करने की कार्रवाई और राउंड डिफेंस अख्तियार करते हुए अलग पोजीशन से दुश्मन के ऊपर फायर डालकर उसे बर्बाद करने की कार्रवाई, स्टार बनाकर दुश्मन के ऊपर फायर की कार्रवाई,
4.5 से 5 फीट की आठ पोजीशन से फायर की कार्रवाई। एक बार फिर पोजीशन से फायर का इस्तेमाल करते हुए एक सुंदर किले की आकृति देते हुए फायर की कार्रवाई, फायर ऑपरेशन की कार्रवाई। आज BSF STC विजयासन कैंपस इंदौर में MPSF रिक्रूट्स जिनकी 44 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग यहाँ BSF कैंपस में कराई गई, BSF ट्रेनिंग सेंटर STC में, आज जो यहाँ पर पासिंग आउट और दीक्षांत परेड हुआ इसका, इसमें पिछले साल 2017 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा रिक्वेस्ट आया था कि MPSF रिक्रूट्स को ट्रेन करना है, करीब 750 रिक्रूट्स को। तो उन 750 रिक्रूट्स को दो बैचेस में डिवाइड किया गया और एक बैच जो कि 450 करीब थे वो पिछले महीने यहाँ से पास आउट होकर यहाँ से ऑलरेडी निकल गया है और अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बटालियंस में वो तैनाती में हैं। आज जो ये रिक्रूट्स पास आउट हुए हैं ये 150 करीब थे और इसको इन्होंने 44 हफ्ते ट्रेनिंग करके यहाँ से आज ये पास आउट हुए हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान पर यहाँ पर इनको ड्रिल, वेपन्स ट्रेनिंग, आपदा प्रबंधन, पुलिस सब्जेक्ट्स इत्यादि पर गौर इनको ट्रेनिंग दिया गया और ये आज पूरा एक ट्रेन्ड रिक्रूट से पालन करना, मरते दम तक कर्तव्य पालन, ये तेरी सिखलाई।